अब आते हैं विवेक सर के पास एक जरा वापस। और विवेक जी बताइए सर, आपके अपने आज के शेयर जो आप नए शेयर देना चाहते हैं, जीएम ब्रिवरीज, SSWL, दोनों आपका पुराना अपडेट है, अब नए शेयर्स। डिम्पी जी, आज जो मैं दो शेयर देने जा रहा हूँ, दोनों ही रिजल्ट शेयर्स हैं। और इसमें पहला नाम है GNA Excels, GNA Excels। ये काउंटर करीब 230 रुपए का चल रहा है। मुझे लगता है इसके रिजल्ट्स आएंगे 12 अक्टूबर को, जिसमें कि मुझे ऐसा हमारा अनुमान है कि ये कंपनी भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर लॉस टू प्रॉफिट दिखा सकती है। YOY बेसिस पर जरूर प्रदर्शन 80-90% ही अचीव कर पाएंगे अपने लास्ट ईयर प्रॉफिट का, जैसा कि इंडस्ट्री ट्रेंड भी चल रहा है कि ज्यादातर कंपनीज अपने प्री कोविड लेवल्स के 85-90% पर ही अचीव कर पा रही हैं। अगर ये गलती से उसको बीट कर देता है तो और भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी इस काउंटर में। कंपनी के बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें इनके अच्छे क्लाइंट्स हैं। ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, लाइक M&M, आयशर, जॉन डेरे और बहुत सारे इनके बड़े क्लाइंट्स हैं, स्कॉट्स वगैरह। तो वहां से एक अच्छी डिमांड पिकअप हो रही है और मुझे लगता है कि इस काउंटर के रिजल्ट इस क्वार्टर में अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छे मीन्स ये होगा कि कंपनी रेवेन्यू फ्रंट पर अपने पिछले क्वार्टर से करीब 2-3 गुना परफॉर्म कर सकती है, और पिछले क्वार्टर में इनका जो जून क्वार्टर था उसमें इनको करीब लॉस लगा था 7 करोड़ रुपए का, जहां से कि कंपनी मुझे लगता है कि प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो करेगी। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर मैं इनकी पिछले साल की EPS यानी कि प्री कोविड EPS भी लेता हूँ तो वो करीब 25 रुपए की बैठती है, जिसके हिसाब से 250 रुपए का तो इसका पहला ही टारगेट बनता है। 230 चल रहा है तो यहाँ से आपको 10% का टारगेट तो इजीली मिल ही जाना चाहिए रिजल्ट से पहले। उसके बाद अगर रिजल्ट्स भी इनकी हमारी एक्सपेक्टेशन को बीट करते हैं देन इसमें जो टारगेट बनेगा वो करीब 270 तक का भी बन सकता है, 268 रुपए एग्जैक्टली। तो आप इसमें 250 और 268 इन दो टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो आपको लगाकर रखना है वो रहेगा करीब 220 रुपए का, तो 219 आप एक स्टॉप लॉस बना लें। ठीक है, 219 का आप एक स्टॉप लॉस दे रहे हो GNA XL के अंदर। देखो सर, चार्ट तो बिल्कुल ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो वैसा दिख भी रहा है, धीरे धीरे मेहनत कर रही है ये कंपनी। हो सकता है आप कह रहे हो कि लॉस टू प्रॉफिट आ जाए, चलने के पास पूरा स्पेस है इसके पास, 355-350 वाली जो पूरी रेंज है इसके डबल टॉप बने हुए हैं, उसको ब्रेक करेगा तो नए नए लेवल पे भी चला जाएगा। सपोर्ट अच्छा है जी, सपोर्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बना हुआ है, ये पुराना एक रेजिस्टेंस है उसको उसने सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे आके। दूसरा, चैनल के अंदर ही अपर ट्रेंड चैनल के अंदर आ चुका है, यानी कि जो डाउन ट्रेंड चैनल है वो खत्म करके अप ट्रेंड चैनल के अंदर है। बस एक ही दिक्कत है, टिपिकली शेयर के साथ थोड़ा वॉल्यूम की कमी है क्योंकि थोड़ा पार्टिसिपेशन कम है ना, तो वॉल्यूम थोड़ा कम है। इसके रिजल्ट्स कब आ रहे हैं सर? इसके रिजल्ट्स 12 अक्टूबर को आने हैं। ठीक है, तो वैसे आपके पास तो कई आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप रिजल्ट से पहले इसमें टिपिकली वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखते हैं क्या सर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाला काउंटर नहीं है, अभी भी इसमें करीब 14-15 हजार का ही वॉल्यूम शायद हुआ है, तो अभी बहुत ज्यादा इसमें देखिए ऐसे काउंटर्स में जब भी वॉल्यूम अगर मान लीजिए 30-40 हजार का भी कोई पर्टिकुलर बायर आता है और वो बाय करता है तो उसमें ही ये काउंटर अक्सर 10-15% का मूव दिखा देते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस काउंटर में वॉल्यूम भी बढ़ेंगे और इस काउंटर में मूवमेंट भी बढ़ेगा, और ये काउंटर बहुत ही शीघ्र हो सकता है इसी वीक में ये काउंटर आपको अच्छे लेवल्स दिखाए। हालांकि मैं मार्केट पर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ क्योंकि 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट सेंसेक्स चल चुका है 2 दिन में, तो आप इसमें अपना आराम से बाय करें, कोई इतना एग्रेसिव होकर तुरंत बाय नहीं करें क्योंकि मार्केट अगर कहीं भी थोड़ा सा अपना को लूज करता है तो आपको उस समय भी आपको मौका मिले। 219 का आप एक स्टॉप लॉस दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें बने रहो, 250 तक के टारगेट मिल जाएंगे। सर सेकंड शेयर आपका? सर सेकंड शेयर है मेरा RCF। RCF देख लीजिए आप, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। इसका देखिए इसके भी रिजल्ट्स 9 अक्टूबर को आ रहे हैं और इसमें मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सितंबर क्वार्टर में भी इसके जो YOY बेसिस पर देखें तो लॉस टू प्रॉफिट आने की संभावनाएं हैं।
हालांकि इनका जो पिछले क्वार्टर में था वो थोड़ा कुछ इन्वेंट्री गेन था जो कि इस क्वार्टर में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर की जो डिमांड रही है वो उसमें कोई प्री कोविड और पोस्ट कोविड देखने की हमें खास ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर में केवल एक ही इशू था जो कि सभी कंपनीज का एक कॉमन था, वो था कि सप्लाई करने के लिए लॉजिस्टिक की सुविधा ना होना, वो एक थोड़ा जरूरी इशू था। दूसरा, इन सभी कंपनीज के लिए जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो थोड़ा नीचे हो चुके हैं और रुपी का मूवमेंट भी इनके लिए फेवरेबल हो रहा है क्योंकि इनको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो रुपी भी स्ट्रॉन्ग ही रहा है पिछले 2-3 महीने में, जिसका इनको मार्जिन फ्रंट पर फायदा मिलेगा। मैं मानता हूं कि अगर इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा कोई फेरबदल नहीं होता है तो ये कंपनी लॉस टू प्रॉफिट अच्छा शो करेगी और यहां से काउंटर करीब 47-50 की रेंज में जाता हुआ आपको जल्द ही दिखाई देगा। तो इसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो फ्राइडे को हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आज सोमवार है, शुक्रवार को नतीजे हैं, यानी कि पूरा हफ्ता ये काउंटर आपको साथ दे सकता है। मेरे को एक बार इसका स्टॉप लॉस दो सर, आरसीएफ का। देखिए डिम्पी जी, इसमें आरसीएफ में स्टॉप लॉस हम देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस वैसे तो बहुत ज्यादा डीप नहीं होना होगा इसमें। अगर हम 42 का एक स्टॉप लॉस रख ले, 42 के नीचे अगर ये किसी भी दिन क्लोज होता है तो आप इससे एग्जिट कर जाइए। ठीक है, डन। 42 ही हमारी रेंज का स्टॉप लॉस है। एक्चुअली वो गैप भी है, वो पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट भी है और इमीडिएट आके पूरा पैराबोलिक इफेक्ट, ये जिसको कहते हैं ना यू शेप, ये खत्म होने का इफेक्ट भी है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, फिर ये नए ब्रैकेट यानी कि नए कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा और फिर ये 38 तक भी जा सकता है। तो आप एक काम कर लेना, अगर आप इसी को किसी वजह से ले रहे हो जो कि रिजल्ट्स वजह बन रही है, तो आप इसमें 42 का एक स्टॉप लॉस रख लेना, याद रखना इस बात का। ठीक है, तो वैसे तो ये शेयर अभी ठीक है, ओवरऑल इसने कभी रिटर्न नहीं दिया, बट ये रिजल्ट ओरिएंटेड ठीक है, इस भाव पे आके इसके नतीजे काम कर जाएंगे। दो शेयर आपने दे दिए सर, एक तो आपने आरसीएफ दिया 42 का स्टॉप लॉस, 47-48 तक का टारगेट मैं मानता हूँ मिल जाएगा, 219 का स्टॉप लॉस, 250 का टारगेट जीएनए एक्सेल के अंदर। ठीक है सर, ये दोनों शेयर हो गए आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। और जीएम ब्रिवरीज और एसएसडब्ल्यूएल आपने बताया कि वो आप होल्ड करके रख सकते हैं।